दुबे ने बनारस के एक होटल में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के एक होटल में मॉडल और एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। आकांक्षा भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र की निवासी थी। भोजपुरी इंडस्ट्री का वो जाना माना चेहरा थी। आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ म्यूजिक वीडियो में काम किया था। दोनों को पवन और शिल्पी राज के गाने ये आरा कभी हारा नहीं में साथ देखा गया। यही एक्ट्रेस का आखिरी गाना है। आकांक्षा का ये नया गाना 26 मार्च की सुबह ही रिलीज हुआ। 26 मार्च को एक्ट्रेस के फांसी लगाने की भी खबर सामने आई। ऐसे में फैंस के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि जिस एक्ट्रेस को उन्होंने यूट्यूब पर कुछ घंटों पहले खुशी में नाचते देखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस गाने के वीडियो में आकांक्षा दुबे ने एक डांसर की भूमिका निभाई है। लाल और गोल्डन स्कर्ट और चोली के साथ गोल्डन ज्वेलरी पहने आकांक्षा को वीडियो में डांस करते देखा जा सकता है। पवन सिंह उनके सामने आते हैं। आकांक्षा पवन को अपने डांस से रिझाने की कोशिश कर रही हैं और उनके प्यार में गिर चुकी हैं। वहीं पवन सिंह अपना दमखम आकांक्षा को दिखा रहे हैं। गाने के बोल जावेद अख्तर और इमामुद्दीन ने दिए हैं और म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है। इस गाने की वीडियो को कुछ देर में 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बता दें कि 17 साल की उम्र में आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा था। यहाँ उन्होंने डायरेक्टर आशीष तिवारी के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। बताया जाता है कि साल 2018 में आकांक्षा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे